हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल हेयर सॉल्यूशन पे। मेरा नाम है सौरभ वर्मा और मैं आज एक नई वीडियो लेके आया हूँ। काफ़ी लोगों के क्वेश्चन थे, कमेंट्स आए हुए थे, सर प्लीज़ हमें हेयर पफ बना के बताइए। जैसे कि आप सब लोग जानते हो, पिछले काफ़ी दिनों से, ऑलमोस्ट 16 दिनों से हम लोग रोज़ नया कुछ ना कुछ कंटेंट लेके आते हैं हेयर स्टाइलिंग के ऊपर। तो ये हेयर स्टाइलिंग का कोर्स चल रहा है जिसमें मैं सिखाने वाला हूं आप लोगों को अलग अलग तरीके से, और हेयर स्टाइलिंग सिखाने वाला हूं। डे वन से क्लास शुरू हुआ है, आज डे 16 है। आज मैं आपको करके सिखाने वाला हूं हेयर पफ, वो कैसे किया जाता है। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, सीधा चलते हैं डमी के ऊपर, कैसे हेयर पफ करेंगे। तो सबसे पहले ये हेयर डमी हम यूज़ करने वाले हैं इस पर पफ बनाने के लिए। थोड़े दिन पहले इस पे कर्ल्स बनाए हुए थे, तो वो कर्ल्स वैसे ही रहेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले लेना है एक सेंटर पार्टीशन। सेंटर पार्टीशन से क्या होगा, अगर आप पफ बनाने वाले हो, किसी भी क्लाइंट पे बना सकते हो। पफ बना के आप कर्ल्स करके छोड़ सकते हो, पफ बना के आप स्ट्रेट छोड़ सकते हो। किसी शादी में जाना है किसी क्लाइंट को, तो उसमें पफ बना सकते हो। पफ बनाने से पहले अगर आपको मांग टिक्का लगाना है, तो आपको सेंटर पार्टीशन निकालना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम मांग टिक्का लगा लें। कोई भी टिक्का हो, अगर आपको लगाना है, टिक्का लगा के यहाँ पे फिक्स कर देंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा पफ बनाना। ओके, तो यहाँ पे मुझे एंड ऑफ द आईब्रो से एक सेक्शन लेना है, इसको बोलते हैं डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन, इस तरीके से। ओके, दोनों साइड, तो ये सेंटर क्राउन तक जाएगा, यहां पे देखिएगा, उसी तरीके से ये एंड ऑफ द आईब्रो, कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, क्लियर है सब लोगों को? थोड़ा और जूम कर देता हूं ताकि आप लोग अच्छे से इसको देख पाओ कि मैंने क्या सेक्शन लिया है यहां पे। ओके, तो ये एंड ऑफ द आईब्रो से हमने एक तरह का वी सेक्शन लिया है, जो हम यूज करने वाले हैं हेयर स्टाइलिंग के पफ बनाने में। तो इसको मैं पकड़ लूंगा, थोड़ा जूम आउट कर दूंगा ताकि आप लोग देख पाओ हम क्या करने वाले हैं। ओके, इसके लिए मुझे एक साइड में डमी रखना पड़ेगा, बाकी सब बालों को अनबाइंड करके इनमें क्लिप लगा सकते हैं। बाद में जो भी बनाना है इस पे आप बना सकते हो, कर्ल्स बनाने हैं, कुछ भी करना है। ओके, तो इस सेक्शन में मुझे मिनिमम 3 अलग अलग सेक्शन लेने हैं। कैसे, 1-1 इंच के सेक्शन लेने हैं, ज़्यादा मोटे भी नहीं लेने सेक्शन और ज़्यादा पतले भी नहीं लेने हैं। तो ये 1 इंच का सेक्शन लिया है मैंने, इसको कॉम कर रहा हूं अच्छे से, ध्यान से देखिएगा फिर से। ओके, कॉम किया मैंने, यहां पे इसको बैक कॉम करूंगा। अभी बैक कॉम करने का जो तरीका है ना, वो आपका सबसे अच्छे से आपको सीखना चाहिए। बैक कॉमिंग सबसे मेन इंपॉर्टेंट होती है जब भी आप कोई क्लास करते हो या जब भी आप कोई हेयर स्टाइलिंग बनाते हो, तो बैक कॉमिंग मस्ट है जब भी आप करो। तो बैक कॉमिंग के लिए आपको चाहिए रहती हैं हेयर स्प्रे। आज मैं यूज़ कर रहा हूँ ओसिस शोस्कोफ की कंक्रीट, नंबर 4 का होल्ड पावर है इसका, एंड शोस्कोफ का सिल्होट इसको भी यूज़ कर रहा हूँ, नंबर 6 का पावर है इसका। दोनों बेस्ट हैं, और साथ में मैं यूज़ कर रहा हूँ शाइन स्प्रे, जो कि लास्ट में हम यूज़ करेंगे, ये है वेला का ग्लैमिस्ट। ओके, तो मैंने ये जो पार्ट था हमारे पास, 1 मिनट, मिक्स नहीं होना चाहिए ये पार्ट था। अभी इसमें बैक कॉमिंग करने के लिए आपको बालों को आगे लेके जाना पड़ेगा 0 डिग्री पे। जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा, हम बैक कॉमिंग 3 तरीके से करते हैं, 90 डिग्री, 45 डिग्री एंड 0 डिग्री। तो हम अभी फ्रंट पफ कर रहे हैं, ये चीज़ों का भी ध्यान रखना जब भी आप पफ करोगे, फ्रंट पफ कर रहे हो या बैक पफ कर रहे हो।
तो फ्रंट पफ कर रहे हो तो बाल बिल्कुल आगे लेके जाओगे, अगर बैक पफ कर रहे हो तो 90 डिग्री पे भी बैक कॉम्बिंग कर सकते हो आप। अगर आपको वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए तो 0 डिग्री पे बैक कॉम्बिंग करेंगे, अगर आपको वॉल्यूम कम चाहिए तो 90 डिग्री पे बैक कॉम्बिंग करेंगे, और अगर मीडियम चाहिए तो 45 डिग्री पे। तो चलिए ज़्यादा टाइम, अभी यहाँ पे इतना मोटा सेक्शन है, आपको कॉम्ब इतना ही चलाना है। देखिए यहाँ पे रखा, जितने भी बाल हैं इनको यहाँ पे बैक कॉम्बिंग को दबा देना है आपको अच्छे से। जैसे ही ये दब जाता है देन उसके बाद रूट्स के पास हम लगाएंगे हेयर स्प्रे। ओके, हेयर स्प्रे लगाने के बाद इसको हम छोड़ देंगे इस तरीके से। हमारे पास वॉल्यूम आ चुका है, इसके बाद हम लेंगे सेकंड सेक्शन। मुझे देखना पड़ेगा सामने आके थोड़ा ध्यान से, थोड़ा भी सेक्शन ऊपर नीचे होगा आपका पफ का जो शेप है वो बिगड़ सकता है, तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। बैक कॉम्बिंग सबसे ज्यादा जरूरी है जब भी आप बैक कॉम्बिंग करते हो कि आप किस तरीके से कर रहे हो। फिर से मैंने 1 इंच का सेक्शन लिया, उसी तरीके से कॉम कर लूँगा और आगे लेके जाऊँगा। ओके, यहाँ पे बैक कॉम करूँगा इस तरीके से, देखिए इन बालों को यहाँ पे दबा लेना है जो हम बैक कॉमिंग कर रहे हैं। फिर हेयर स्प्रे किया एंड इसको पीछे ले आया। अब आप देखोगे यहाँ पे आपका बैक कॉमिंग बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने पूरे सेक्शन को यूज नहीं किया है बैक कॉमिंग के लिए, उसका पीछे का पार्ट जो है सेक्शन का उसी में ही बैक कॉमिंग किया है ताकि यहाँ पे ज़्यादा ना दिखे। अभी हमारे पास लास्ट सेक्शन है तो इसको हमें ज़्यादा क्लीन दिखाना है, बट स्टिल आप इसको उसी तरीके से ही बैक कॉमिंग करेंगे जैसे मैंने बाकी बालों को किया है। मैंने कॉम किया बालों को, 1 मिनट थोड़ा मूव कर दूं। ओके, मैंने कॉम किया आगे लेके आया, फिर से हमें बिल्कुल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 से 9 बार हमें बैक कॉमिंग करना है। जैसे ही बैक कॉमिंग हो जाता है आपको हेयर स्प्रे लगा लेना है ताकि वो फिक्स रहे और ज्यादा टाइम स्टे करे। ओके, क्लियर? ये हमारा हो चुका है बैक कॉम। अभी इन सारे बालों को मैं यहां पे पकड़ लूंगा, वॉल्यूम अच्छा खासा आ गया हमारे पास। अभी इसको पफ कैसे बनाना है, पफ बनाते हुए समटाइम्स क्या होता है, बाल जो पफ है वो टेढ़ा हो जाता है या एक साइड में चला जाता है या प्रॉपर बाउंस नहीं मिल पाता है, बैठ जाता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर मेरे तरीके से आप इस तरीके से करोगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी पफ करने में, स्पेशली फ्रंट पफ। ओके, तो यहाँ पे मैंने बालों को इस तरीके से पकड़ना है, पाम पे सारे बाल रखने हैं, इस तरीके से पकड़ना है। ओके, ऐसा ना पकड़े, ये बाद में पकड़ेंगे जब हम पिंस लगाएंगे, पहले आप इस तरीके से पकड़ेंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पे बालों को पकड़ा हुआ है, हम कॉम कर रहे हैं और यहाँ पे साइड वाले बालों को अच्छे से कॉम कर लें ताकि जो बाउंस है वो इवन हो जाए सब जगह से, ताकि यहाँ पे ये बाल मैच हो जाए इस तरीके से। बिल्कुल सॉफ्ट, आपको सॉफ्ट तरीके से कॉम करना है, अंदर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए आपका कॉम, ऊपर से मूव होना चाहिए इस तरीके से, जहाँ पे आपको लग रहा है ज़्यादा बाउंस है उसको आप बिठा लोगे कॉम करके, जहाँ पे भी आपको लगता है ज़्यादा बाउंस है आप बिठा लोगे कॉम करके। अगर आपको ज़्यादा करना है बाउंस तो आप थोड़ा बाउंस ऐड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कॉम इस तरीके से, देखिए। तो आपको मिरर के सामने बैठना है, मिरर में देखते रहना है, जैसे मेरी डमी आप लोगों को देख रही है, आपको इवनली समझ में आएगा कि कितना गैप ज़्यादा है। मान लो यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है मुझे, वॉल्यूम आ गया, तो हम कॉम करेंगे,
कॉम करेंगे इस तरीके से, इस तरीके से पकड़ लेंगे। तो ये यहाँ पे मैच होना चाहिए, यहाँ पे दोनों साइड, ओके दोनों साइड। अब ये डिपेंड करता कि हमारे क्लाइंट को कितना ज्यादा बाउंस चाहिए। जैसे ही मैं कॉम करूंगा, बालों को पकड़ता जाऊंगा कॉम करके, देन उसके बाद मेरे पास छोटी क्लिप्स जो हैं, मैंने बताया था आप लोगों को स्टील वाली क्लिप्स होती हैं मेरे पास, स्टील वाली क्लिप्स से हमें बालों को पहले होल्ड कर लेना है ताकि जब भी हम बॉबे पिन लगाएंगे तब हमें प्रॉब्लम ना आए। तो ये छोटी वाली मेरे पास स्टील्स की पिन है, ये इससे मैं बालों को पकड़ लूंगा। मेरे सामने मिरर नहीं है तो मैं देख नहीं पाऊंगा, बट मैं कैमरा में देख के आप लोगों को बता रहा हूँ, राइट। इस साइड से थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, आप और कॉम करेंगे इस तरीके से, इसको बिठा लेंगे। अगर यहाँ पे आपको कम लग रहा है तो इस साइड ऐसे ही आप इसको बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे पीछे की साइड मुझे क्या करना है, इन बालों को यहाँ पे आपको पिन लगा देना है इस तरीके से, ताकि आप जब भी पफ बनाओ तो आपकी पिन्स हिले नहीं या बाल हिले नहीं, एक जगह पे रहें। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से पिन लगा के छोड़ दिया। अभी इसमें मैं लगा सकता हूँ बॉबी पिन। बॉबी पिन तो पता है ना आप सबको कौन सी होती है, कैसे यूज करते हैं, राइट। मेरे पास ऐसा एक छोटा सा मैंने बॉक्स रखा हुआ है अपने यूज के लिए, इसके अंदर अलग अलग पिन्स हैं, यहाँ बॉबी पिन्स हैं, यहाँ छोटी यू पिन्स हैं, यहाँ बड़ी यू पिन है, यहाँ इनविजिबल पिन है, यहाँ पे रबर्स हैं, रबर बैंड जो हम लगाते हैं, यहाँ पे स्टील के जो क्लिप्स हैं। तो 6 बॉक्स हैं अलग अलग, इस तरीके से मैं यूज़ करता हूँ। मैं कुछ बॉबी पिन निकाल लेता हूँ। अब बॉबी पिन यूज़ कैसे करनी है, यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ ऐसे दिखती है, राइट। तो इसमें ना यहाँ पे अनइवन पार्ट है, जिगजैग है, तो वहाँ से आपको पकड़ के इसको खोल लेना है इस तरीके से, इस तरीके से हमें इसको ओपन कर लेना है। एंड देन आपको बेस के अंदर हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप पफ के लिए क्लिप लगाएंगे तो बेस के अंदर लगाएंगे, रूट्स के पास, ओके ध्यान से देखिएगा। इस तरीके से यहां बाल दबा लें थोड़ा और इस पिन को निकाल लें, शायद ये प्रॉब्लम कर सकती है, ओके। तो मैं यहां से दबाऊंगा इस तरीके से, एक साइड लग चुकी है हमारी। अभी क्योंकि हमारे पास दूसरी पिन है, अभी इसको मैं पुल करूंगा और ये दूसरा साइड जो है वो हमें उसके ऊपर लेके जाना है, ट्रेवल करना है। तो इस तरीके से पिन आनी चाहिए। मैंने ये पिन भी निकाल लिया, मैंने ये पिन भी निकाल लिया। अभी ये पिन ज़्यादा निकली हुई है, तो आप फिर से एक और पिन लोगे। दो तीन जिगजैग पिन आप लगा सकते हो, मिनिमम दो दो तो लगाओ, ज़्यादा अच्छा है, तो आपका जो होल्ड है वो अच्छा होगा बालों के ऊपर, ओके। मैं बाकी साइड वाले क्लिप्स खोल देता हूं। तो हमारा जो पफ है वो कंप्लीट है, देख रहे हो। अभी भी आप इसको थोड़ा सेट कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि एक साइड में ज्यादा है एक साइड में कम है, इसको इस तरीके से थोड़ा पुल कर सकते हो हल्का सा, तो इससे क्या होगा, एक परफेक्ट राउंड शेप आ जाएगा, सब जगह से राउंड दिखना चाहिए। तो आज का जो क्लास था वो हमारा स्पेशली पफ के ऊपर था, कि पफ कैसे बनाया जाता है। एंड आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत इजी है और 3 सेक्शन में बनाएं। और बाकी बालों को मैंने ओपन ही छोड़ दिया है यहाँ पे, देखिए
मैंने वेव किए हुए थे वो वेव हैं ऑलरेडी, बाकी वालों को मैंने ओपन छोड़ दिया है। क्लाइंट को भी आप ऐसा कर सकते हो, वेव करके छोड़ सकते हो पफ कैसे बनाते हैं, राइट? तो क्लियर हुआ पफ? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, राइट? चलिए 1 मिनट। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। हमारे कुछ कोर्सेज चलते रहते हैं, उन कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हमारे इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर फॉलो करें, इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें अलग अलग अपलोड करते रहते हैं। आप लोगों का सबका साथ चाहिए और मैं ऐसे ही कुछ ना कुछ नया नया सिखाता रहूँगा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप क्या सीखना चाहते हैं, शायद नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर हो सकती है, आफ्टर हेयर स्टाइलिंग कोर्स। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय, एंजॉय।